जय श्री राम सभी भाइयों को, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। भाई आज के व्लॉग में करने वाला हूँ मैं इसका माइलेज टेस्ट, और माइलेज टेस्ट मैं भाई 1 लीटर से नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 1 लीटर के लिए मुझे भाई इसको बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है, लगभग 50 से 60 किलोमीटर। तो अभी मैं आधा लीटर पेट्रोल ले लिया हूँ और बैकअप के लिए 1 लीटर दूसरी बोतल में ले लिया हूँ। तो भाई पेट्रोल टंकी का मैं नहीं दिखा रहा हूँ वीडियो, क्योंकि भाई वो थोड़ा सा जानने वाले लोग हैं तो, और ऐसे पेट्रोल बोतल में लेना भाई लीगल है, तो इस वजह से मैं वो वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी अभी चल रहे भाई ऐसे ही, देखते हैं हाईवे पर और सिटी में, दोनों जगह मैं टेस्ट करके देखूँगा, मतलब हाईवे पे भी और मतलब सिटी में भी, दोनों जगह मैं करूँगा टेस्ट। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइलेज देने वाली है, और ये माइलेज जो है भाई ये लगभग मेरी गाड़ी 4 साल की होने वाली है, तो 4 साल के बाद देखते हैं ये कितना माइलेज देती है। वैसे अभी अगर मैं मीटर में देखूँ तो मीटर में तो मुझे 30 का ही दिखा रही है, लेकिन 30 का है नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा देती है, क्योंकि अभी देख सकते हैं 52.6 अभी चल चुकी है ये रिज़र्व में। तो मतलब रिज़र्व में ये 1.5 से 2 लीटर रखती है पेट्रोल, और तो भाई इतना ज़्यादा अगर इसमें चल गई है तो आधा लीटर में देखते हैं फिर कितना चलती है। 1 लीटर में इस वजह से नहीं कर रहा हूँ भाई, बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता फिर मुझे इधर उधर फर्जी का घूमना पड़ता, तो वो मैं करना नहीं चाहता था, और मुझे एक थोड़ा सा काम भी है तो मैं वो काम भी निपटा लूँगा और ये अपना टेस्ट भी हो जाएगा। तो भाई चल रहे हैं फिर, अभी ऐसे ही हिमांशु को लेते हैं फिर चलते हैं। पिछला जो वीडियो था मेरा उस पर काफ़ी ज़्यादा सही रिस्पॉन्स आया है, उसमें रील्स तो काफ़ी ज़्यादा गई थी लेकिन वीडियो पे क्लिक कम आए हैं, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखा करिए भाई, आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो वीडियो आप लोग देखा करिए भाई। और अभी मैं रुक के आपको एक बार अपने बाइक का लुक भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें R1M वाला मास्क लगा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देखिए भाई, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लग रही है बाइक। और भाई ये टेस्ट करने के लिए मैं अपनी बाइक का पूरा फ्यूल अभी ख़त्म करूँगा, और आप लोग बिल्कुल ये ट्राई मत करिएगा, क्योंकि जो इसका FI सिस्टम होता है वो थोड़ा सा मतलब हार्ड क्या मान लीजिए डैमेज भी हो सकता है, तो आप लोग ये बिल्कुल ट्राई मत करिएगा अगर आपकी बाइक FI है। तो ये मेरी बाइक तो FI है, FI सिस्टम इसमें लगा हुआ है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भाई करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। मुझे हल्का हल्का फील होने लगा है कि इसमें पेट्रोल अब बहुत ही कम बचा है, क्योंकि गाड़ी अब खींच के चलने लगी है, तो अभी भाई लगभग मुझे लग रहा है ये 5 से 7 किलोमीटर और जाएगी, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। तो मिल गया मुझे, और भाई चल रहा है अब, थोड़ा सा अपना काम भी निपटा लेते हैं और ये अपना टेस्ट भी कर लेते हैं। तो भाई इसमें मैं इसको भगा के भी देखने वाला हूँ, और मतलब जैसे नॉर्मल आप चलाते हैं वैसे भी चला के देखने वाला हूँ, मतलब एक एवरेज आपको बताऊँगा कि ये कितना देती है माइलेज। भाई काफ़ी ज़्यादा खींच के चल रही है अब गाड़ी, ऐसा लग रहा है कि पीछे कोई खींच रहा है, क्योंकि भाई पेट्रोल इसमें कम हो गया है। तो अभी बंद कर लेते हैं भाई, वरना भाई यहीं पे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, अभी रेड लाइट है भाई। 56 किलोमीटर अभी ये चल गई है रिज़र्व पे, तो भाई इसको ख़त्म करने में तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मुझे चलना पड़ेगा आज, लेकिन भाई आप लोगों के लिए चल दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 200 का पेट्रोल फूंक दूंगा आप लोगों के लिए। तो भाई लगभग तेल ख़त्म होने वाला हो गया, और अभी एक बार झटका मार दिया गाड़ी, और अब दोबारा चला रहे हैं, देखिए भाई कैसे झटका मारा था, अभी आप लोग देखिएगा, ज़्यादा इसको चलाना पड़ गया है। जब आपको मैंने दिखाया था तब शायद 45 पे थी, अभी देखिए 70 चल गई है रिज़र्व पे, और रिज़र्व पे भाई ये 70 चल गई है। अभी इसमें मैं आधा लीटर पेट्रोल डालूंगा, उसके बाद फिर से मैं इसको लगभग जितनी भी चलेगी उतनी लास्ट तक चलाऊंगा, और आप लोग लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई 4 साल बाद किसी ने टेस्ट नहीं किया है R15 V3 में माइलेज टेस्ट, तो मैं अभी भाई करके दिखाऊँगा आप लोगों को, बस इस जाम से निकल जाऊँ, कहाँ पे ना ख़त्म हो जाए, पता लगे भाई धक्का मार के ले जाना पड़े आगे तक। तो भाई इसको मैंने ज़्यादा खींच वींच के नहीं चलाया, जैसे नॉर्मल चलाते हैं वैसे चलाया अभी तक। अब इसमें पेट्रोल डालेंगे इसका, एक बार ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर देखिए कितनी चलती है यार। हमका तो लाग रहा है यार 40 चली आधा लीटर में, नहीं हमका तो लाग रहा चांद तक कहाँ चली जाए। अगर एक बार और झटका आएगा तो उसके बाद इसमें ज़्यादा हम इसको प्रेशराइज़ नहीं करेंगे और फिर पेट्रोल डाल देंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा पेट्रोल नहीं होगा, मुश्किल से 100 ml या 50 ml पेट्रोल बचा होगा तभी ये झटका मारेगी। तो भाई ये देखिए झटका मारने लगी है, इसको थोड़ा सा और चला लेते हैं, फिर उसके बाद इसमें फ्यूल डालते हैं और फिर टेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई R15 V3 में इतना है कि आपकी गाड़ी में अगर 1 लीटर पेट्रोल है तो ये आपको लगभग 40 से 50 किलोमीटर तो आराम से आपको निकाल देगी,
और आप इमरजेंसी में जैसे कहीं पेट्रोल नहीं है आपकी बाइक में और टंकी थोड़ी दूर है तो आप आराम से जाके भरवा। अभी भी जा रही है भाई, 72 किलोमीटर चल गई है और अभी भी चलती चली जा रही है। लेकिन भाई आगे चौराहे पे मैं डाल दूंगा इसमें पेट्रोल, क्योंकि ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेने वाला हूँ FI के साथ। और बस आगे चौराहा तक मैं कैसे भी पहुँच जाऊँ उसके बाद मैं डाल दूंगा। भाई ख़त्म ख़त्म भाई ख़त्म। तो भाई अब इसमें मैं ज़्यादा इसको प्रेशर नहीं करूँगा और मैं निकाल रहा हूँ अपना वही आधा लीटर वाला पेट्रोल। तो इसमें मैंने दो पेट्रोल ले लिए हैं, दो बोतल में, एक में ले लिया पूरा जितना आ सका और दूसरी में मैंने ले लिया है आधा लीटर। तो ये आधा लीटर पेट्रोल है भाई, और अब इसको इसमें डाल देते हैं फिर उसके बाद। तो भाई ये मैंने खोल के इसमें आधा लीटर पेट्रोल डाल दिया है, ये देखिए पड़ गया पेट्रोल। तो भाई अब इसकी असली टेस्टिंग स्टार्ट होगी, अभी मैं आपको बटन रीसेट करके भी दिखा दूंगा। ये देखिए पूरा पेट्रोल मैंने डाल दिया है, और ये बोतल अब रख लेंगे भाई, क्योंकि ये बोतल बहुत काम आने वाली है। अभी मेरे पास थी नहीं तो मैंने अपने दोस्त से मांग के फिर लाया हूँ। और अब ट्रिप को कर देते हैं ज़ीरो, स्टार्ट हो जा। और ये रही ओडोमीटर ट्रिप 1, इसको मैंने ज़ीरो कर दिया है। ट्रिप 2 इसको भी ज़ीरो कर दिया है। और अब ट्रिप 1 देखिए ज़ीरो है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टेस्ट, स्टार्ट हो गई है, चलो आओ। तो अब रियल टेस्टिंग स्टार्ट हुई है इसकी, और इसमें मैंने आधा लीटर पेट्रोल डाल दिया है। अब देखते हैं ये कितने किलोमीटर तक जाती है। एक लीटर पेट्रोल वाला भाई मैंने इस वजह से नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया भाई बहुत ज़्यादा चलानी पड़ जाती मुझे ये, इस वजह से मैंने। भाई रोड आप लोग देख सकते हैं एकदम क्लियर है, तो मतलब जैसे कि आप लोगों को अक्सर मिलती हैं रोडें, वैसी रोडों पे मैं टेस्ट कर रहा हूं। तो भाई इस माइलेज टेस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है भाई, लाइक ज़रूर करिए भाई, लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है मुझे, तो आप लोग लाइक ज़रूर करा करिए वीडियो को। और ये आ गया भाई हम लोग 1090 चौराहा, बहुत ही बड़ा चौराहा है हमारे लखनऊ का, बहुत ही खूबसूरत चौराहा है। तीन किलोमीटर भाई लगभग चलने वाली है अभी तक, और अभी इसको चलाने के लिए मुझे बहुत दूर दूर तक जाना पड़ेगा इधर उधर। कोई बात नहीं भाई, हम पेट्रोल खर्चा कर देंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ये भाई आ गए जनेश्वर वाले फ्लाई ओवर पे, और इस पर चढ़ जाएंगे अभी हम, और इसी से फिर हम कनेक्ट कर लेंगे अपना शहीद पथ हाईवे, और उसी से घर भी जाना है हमको, तो इसीलिए इस रूट पर जा रहा हूँ मैं। ज़्यादा तेज नहीं चला रहा हूँ इसको, 60-70 इतनी पर ही चलाऊँगा, और कॉन्स्टेंट उसी स्पीड पे चलाऊंगा तो एक सही माइलेज निकल के आएगा फिर। काफ़ी ज़्यादा कर्विंग है वो भाई, लीन करने में मज़ा आ रही है, तो मैं ज़्यादा लीन नहीं करूँगा। 5 किलोमीटर चल गई है अभी तक, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। 5 किलोमीटर में क्या ही दिक्कत आएगी भाई, अभी तो ये 20-25 किलोमीटर चलेगी लगभग। और ये जनेश्वर मिस पार्क हम लोग आ गए हैं 4 गेट पे। रुकने का मेरा मन नहीं है वरना भाई रुकता। भाई पूरे लखनऊ में आजकल भाई सफाई और ये सब चल रहा है, क्योंकि भाई समित इन्वेस्टर लगने वाला है हमारे यहाँ इसी। ये है जनेश्वर मिस पार्क का मेन गेट, गेट नंबर 2, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। अभी थोड़ा भाई मैं सिटी के अंदर भी आ गया हूँ, ताकि मतलब सही से टेस्ट कर पाऊँ मैं। साढ़े 6 किलोमीटर चल गई अभी तक, कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
ज़्यादा खूबसूरत रोड है ये, हमारे जनेश्वर वाली रोड है जो कनेक्ट करती है जनेश्वर को। और भाई इधर सामने आपको स्टेडियम दिख रहा होगा, इसी बहाने में सब आपको दिखाई दे रहा हूँ। भाई 10 किलोमीटर चल गई है गाड़ी हमारी, और अभी शायद और 10 या 12 15 जितने भी चलेगी उसको चला के देखते हैं। भाई कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई देखा आप लोगों ने, भाई कैसे पूछ रहा था कि भाई इसका लगाने का क्या फ़ायदा होता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये बस मोटो जीपी में यूज़ किया जाता है ताकि मतलब ना दब जाए, कोई दूसरा राइडर दबा दे, क्योंकि भाई वो काफ़ी क्लोज से एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं। और ये भाई आ गया हमारा एकाना स्टेडियम, इसमें भी रिसेंटली मैच हुआ था इंडिया और न्यूजीलैंड का। वैसे तो मैं देखने नहीं आया था, मेरा मन था लेकिन आ ही नहीं पाया था क्योंकि टिकट ही नहीं मिला था भाई, फुल हो गए थे पूरा। और स्टेडियम के जस्ट बगल में ही है प्लेसियो मॉल, और ये भाई क्या खूबसूरत मॉल है, पूरे लखनऊ के मुझे सबसे खूबसूरत मॉल लगता है। और भाई इसके जस्ट ही बगल में लूलू मॉल है, लेकिन मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगता है भाई जितना अच्छा मुझे ये प्लेसियो मॉल लगता है, क्योंकि भाई इसका एम्बियंस और इसका अंदर का सारा सिस्टम बहुत ही एकदम तगड़ा हो रखा है। आप लोग अगर लखनऊ से हैं तो आप लोग जानते हो, अगर नहीं है और आप लखनऊ आते हैं तो भाई विज़िट ज़रूर करिएगा एक बार प्लेसियो मॉल, भाई बहुत तगड़ा है। फिनिक्स प्लेसियो एक नंबर मॉल है भाई, आप लोग देख सकते हैं बाहर से एकदम लगता ही नहीं है कि भाई हम लोग लखनऊ में या इंडिया में, लगता है ये फॉरेन में आ गए हैं। क्योंकि जब नया नया खुला था भाई, तब मैं और मेरे फ्रेंड्स आए थे यहाँ पे, और मुझे लग रहा था ऐसा कि फील हो रहा था कि भाई मैं तो फॉरेन में आ गया हूँ सच में भाई। लेकिन बहुत तगड़ा एकदम, रोडे भी देख सकते हैं आप लोग, और पूरा मॉल एकदम एक नंबर हो रखा है। और भाई इसी के साथ 14 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी, और पता भी नहीं चला अभी तक, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ रहा है मुझे। तो अभी लग रहा है ये 10 किलोमीटर और जाएगी, तो अभी थोड़ा सा इसको स्पीड अप करके देखते हैं। और ये आ गए भाई हम लोग सुशांत गोल सिटी, क्या ही मस्त जगह है हमारे लखनऊ की भाई, एकदम तगड़ी जगह है। अभी ये भी आपको पूरा मैं घुमा ही देता हूँ आज, क्योंकि भाई जब गाड़ी घूम रही है तो फिर घूमनी चाहिए हर जगह। तो देख सकते हैं आप लोग व्यू कितना तगड़ा आता है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा फ़ोटो शूट यहाँ पे होते रहते हैं, पर अभी शायद बंद कर रखा है सब कुछ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी भी लगी हुई है यहाँ पे, और अभी यहाँ पे लोगों का आना बंद हो रखा है। यहाँ पे पूरा फाउंटेन वगैरह लगा हुआ है, वो भी चलता है, लेकिन अभी सब कुछ बंद हो रखा है। अब वो पता नहीं किस चीज़ के लिए बंद हो रखा है, शायद उसी समित इन्वेस्टर जो हो रहा है उसी की वजह से बंद है। और यहीं पे फ्लाइंग बी सर भी रहते थे अगर आप लोगों को पता हो, क्योंकि जब वो जा रहे थे तब उन्होंने अपनी लोकेलिटी दिखाई थी, तो ये वही जगह है जहाँ पे फ्लाइंग बी सर रहते थे। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भाई कैसी जगह है ये। और भाई 18 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, एक बार सिर्फ झटका दी है, पर ये अभी लगभग 2 से 3 किलोमीटर और चलेगी। तो अगर उस हिसाब से एवरेज देख रहे हैं तो इसका तो 40 प्लस एवरेज आ रहा है, तो भाई 4 साल के बाद 40 प्लस एवरेज, भाई वर्थिट है ये गाड़ी। ये गाड़ी आप ले सकते हैं भाई, कोई डाउट नहीं है इसमें भाई। 40 का एवरेज इतनी बढ़िया फेयरिंग के साथ, इतनी बढ़िया स्पीड, सब कुछ होने के बाद भाई 40 का एवरेज भाई बहुत तगड़ी गाड़ी है। सारी कंडीशंस में भाई मैंने इसको चलाया है, जाम में भी चलाया हूँ, सिटी में भी चलाया हूँ, और ये हाईवे पे भी मैं चला रहा हूँ। तो भाई इससे प्रॉपर टेस्ट हो रहा है, तो आप लोग इस प्रॉपर टेस्ट के लिए भाई एक लाइक कर दीजिए अभी। भाई यहाँ से योगी जी का काफिला जा रहा है, तभी ये आगे रोड बंद कर रखे हैं। भैया झटके मारने लगी है, अब 21.7 किलोमीटर हो गया है और झटके मारने लगी है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 42 किलोमीटर हो रहा है, लेकिन अभी 42 में ही इसको मैं 50 तक या 45 तक आराम से चला सकता हूँ। तो भाई आधा लीटर में ये
अभी 22 किलोमीटर चल गई है। तो भैया वो कहा ले हो इतनी अच्छी गाड़ी में, इतनी अच्छी हुए के बावजूद 22 का एवरेज दे आता है, तो वो कहा ले हो? और लड़का जान तो ले हो ना, यहाँ नहीं कि हम कोनो ऊट पटांग चलाएं। भैया अच्छे चलाए नहीं का तबो या 22 का दे रहे हो, भगाइबो फिर थोड़ा बहुत। भाई अब ये लगभग जान तोड़ने वाली है, तो इसको हम 23 किलोमीटर पूरा कर देते हैं, तो उस हिसाब से ये 46 का एवरेज दे रही है अभी। तो भाई 23.1 किलोमीटर अभी चल गई है आधा लीटर में, और ये अभी 2-3 किलोमीटर और जाएगी। तो भाई ये सबसे तगड़ी गाड़ी है फेयरिंग में मुझे लगता है, जो कि 45 या 46 का एवरेज देती है आराम से। अगर आप इसको थोड़ा और आराम से चलाएंगे तो ये लगभग आपको 50 प्लस एवरेज देगी। तो भाई 4 साल बाद 50 प्लस का एवरेज भाई माने रखता है, और इतनी बढ़िया गाड़ी है यार, हम तो कह रहे हैं यहाँ ले हो तुम लोग। भाई इतने बढ़िया वो कहा ले हो, इमार लुक देखो, सब कुछ देखो, हाँ तुम बताओ ले हो कि ना ले हो यार? भाई 50 प्लस एवरेज दे रही है, और क्या चाहिए भाई, इतनी सुंदर दिखने में है, और हांडा वाला तुमका एवरेज दे रही है कि तुम स्प्लेंडर समझ के इका चलाओ सारे, कोनो दिक्कत नहीं। तो भाई मजा आ गई ये टेस्ट करके, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको टेस्ट कैसा लगा है। तो भाई बस ये वीडियो यहीं तक था, होप करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।